मधेपुरा में 691 लीटर विदेशी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। मुरलीगंज पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। मधेपुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 80 पेटी यानी 691 लीटर विदेशी शराब के साथ एक शराब माफिया को गिरफ्तार किया है। मामला मुरलीगंज थाना क्षेत्र के रजनी गांव का है, जहां शराब माफिया डब्लू सिंह के घर के अंदर भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब का भंडारण किया गया था। लेकिन गुप्त सूचना के आधार पर मुरलीगंज पुलिस ने शराब की इस खेप को जब्त कर लिया है। बता दें कि एक सप्ताह पूर्व भी मुरलीगंज पुलिस ने एक ट्रक और एक पिकअप वैन पर रखे भारी मात्रा में शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई थी। वहीं आज एक बार फिर शराब की बड़ी खेप बरामद हुई है। वहीं इस मामले को लेकर मधेपुरा SDPO अजय नारायण यादव ने बताया कि SP राजेश कुमार को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद SP द्वारा सदर SDPO के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया, जिसके बाद गठित टीम ने मुरलीगंज थाना क्षेत्र के रजनी गांव स्थित डब्लू सिंह के घर छापेमारी की, जहां भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ शराब कारोबारी डब्लू सिंह को गिरफ्तार कर शराब बरामद किया गया है। SDPO ने बताया कि पुलिस हर बिंदु पर अनुसंधान कर रही है। इस कारोबार में शामिल अन्य शराब कारोबारी को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। में ही मधेपुरा पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम रजनी में डब्लू सिंह के घर पर विदेशी शराब का भंडारण किया गया है काफी मात्रा में, और इसी सूचना की सत्यापन शराब बरामदगी तथा गिरफ्तारी के मद्देनजर SP साहब के निर्देशानुसार एक टीम का भी गठन किया गया था, जिसमें मुरलीगंज थाना यहाँ के पदाधिकारीगण कमांडो टीम के सदस्य शामिल थे। जब उक्त घर की ग्राम रजनी में घेराबंदी की गई और सर्च अभियान चलाया गया, तो भूसा घर में लगभग 80 कार्टून शराब पाया गया, क्योंकि मैकडेवल नंबर 1 के नाम से है और मेड इन अरुणाचल प्रदेश, सेल ओनली फॉर अरुणाचल प्रदेश अंकित है। ये वहाँ से इस प्रकार भारी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई है और मौके वारदात से ही डब्लू सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की गई है। तो इसमें जो शराब के माफिया हैं, अन्य जो माफिया हैं, उनकी भी ये निशानदेही पर जो है ना जानकारी इकट्ठा कर ली गई है कि कौन है इसमें मुख्य रूप से माफिया, और उसकी भी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। तो निश्चित तौर पर कुल 80 पेटी है, जो कि 691 लीटर शराब है, और अगर हम बोतल की बात करें तो ये 3840 बोतल है, जो कि स्मॉल साइज का है, और इस संदर्भ में जो है कांड भी अंकित किया गया है 341-23 है कांड, और इसका जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज है उसकी हम जांच कर रहे हैं, और इसमें जो भी शामिल माफिया होंगे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। देखिए अभी तो हम एक अंदाज के आधार पर ही बता सकते हैं कि लगभग ये 15 से 20 लाख रुपए की शराब है।